वेलकम सत श्री अकाल केम छू। आई एम सादिया फ्रॉम बीजेम्स पेटिस्ट्री। आज हम आपको फोंडेंट बनाना बताएंगे। फोंडेंट को यूके में जो है शुगर पेस्ट कहते हैं, और वैसे जो मशहूर है ये फोंडेंट के नाम से ही मशहूर है, ये अमेरिकन वर्ड है, और जो ब्रिटिश टर्म है वो शुगर पेस्ट है। जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक्त भी मेरी टीचर जो है, अगर हम लोग फोंडेंट मुंह से बोल देते थे तो हमें सख्त डांट पड़ती थी और कहा जाता था शुगर पेस्ट बोलो। लेकिन फेमस फोंडेंट के नाम से ही है, तो मैं भी फोंडेंट ही इस्तेमाल करूँगी। तो फोंडेंट जो है वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। और अगर जब हम बाज़ार से जाके लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। तो जब आप मेरी रेसिपी यूज़ करेंगे और बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बनाने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये इसका बनाने में थोड़ा मैसी वर्क है। आपको अपने हाथ वाथ सब कुछ तैयार रखने हैं मैसी वर्क करने के लिए। तो लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट की वजह से आप बहुत खुश होंगे। याद रखिए, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो और देखें, और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और आप बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फौरन पता चल जाएगी। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए इसको सब्सक्राइब करें। ओके, चले अब हम शुरू करते हैं अपना मैसी वर्क शुरू करते हैं। एप्रन लेते हैं और एप्रन पहनते हैं और फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। वन फोर्थ कप वाटर, वन टेबल स्पून जेलेटिन और अगार पाउडर, 750 टू 1 केजी आइसिंग शुगर, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, हाफ कप लिक्विड ग्लूकोस, 2 टेबलस्पून वेजिटेबल शॉर्टनिंग और ड्रेक्स, 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस और लेमन एसेंस, एनी क्लियर एसेंस, 1/4 कप वाटर लिया था, अब उसमें जेलेटिन डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। फिर हम इसको कोई 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर ये ब्लूम हो जाएगा, फिर हम यूज करेंगे। वेरी लो फ्लेम पे हमें उसको जेलेटिन को जो है ब्लूम हो गया था, अब हमने इसको उस पे चूल्हे पे रख दिया है और उसको थोड़ा पकाएंगे और फिर इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे। देखेंगे सारे, कुछ भी इसमें आपको दाने नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए इससे भाप भी उठ रही है, इसकी आंच बहुत हल्की होनी चाहिए। अब एक चम्मच 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ग्लूकोज डाल देंगे, ग्लूकोज थोड़ा स्टिकी होता है इसलिए आप पहले अपने बोल में थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो इजीली निकल जाता है। ग्लूकोज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अब हम शॉर्टनिंग डालेंगे 2 टेबलस्पून।
शॉर्टनिंग को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से स्टर करते रहेंगे। वन फोर टीस्पून लेमन एक्सट्रैक्ट या क्लियर वेनिला एक्सट्रैक्ट मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे और वेट करेंगे कि इसकी टेम्परेचर कम हो जाए, फिर हम आगे काम करेंगे। आइसिंग शुगर का एक पायस बना के रखेंगे पूरा, और फिर हम हाथों में थोड़ा सा वेजिटेबल शॉर्टनिंग लगा लेंगे ताकि इन केस हमारे हाथ में स्टिकी ना हो। बहुत मैसी वर्क शुरू होने वाला है, तो रेडी रहें। इसमें एक वेल बनाएंगे और फिर हम इसमें लिक्विड डालेंगे और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी का काम है कि मिक्स करना है हमें। ये देखें, मैंने सारा मैसी वर्क आपको नहीं दिखाया है, काफ़ी मैसी वर्क था। उसमें सब मिक्स किया, जितनी शुगर मैंने ली थी वो पूरी की पूरी इस लिक्विड में यूज़ हो गई और सारी शुगर से ये डो बना लिया। ठीक है, फोंडेंट डो कहते हैं इसको अमेरिकन में, और इंग्लिश में या यूके में शुगर पेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये अब हमने तैयार कर लिया है। इसको हम क्लिंग फिलिंग में डाल के और रख देंगे और 24 आवर्स के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। चाहे तो थोड़ा सा इस पे वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरह रैप कर दें क्लिंग फिल्म से, यानी डबल रैप करेंगे। हम डबल रैप करेंगे। और इसको 24 आवर्स के लिए रूम में रखेंगे, कहीं फ्रिज में नहीं रखना, रूम में रखना है। ठीक है, फिर 24 आवर्स के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, केक को कवर कर सकते हैं, मॉडलिंग बना कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो ये रेडी है। जी व्यूअर्स, देखें ये हमारा फोंडेंट तैयार है। मैसी वर्क था लेकिन बन गया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं इसको अभी नहीं बता रही आपको, इसलिए 24 आवर्स के बाद ही मैं इसको खोल के यूज़ करूँगी। और उसके बाद आप जो दिल चाहे बना सकते हैं इसमें, आप इससे आप फोंडेंट की जो है डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, केक को कवर कर सकते हैं रोल करके और फिर केक के ऊपर कवर करें इस फोंडेंट से। और इसमें आप थोड़ा सा टाइलो पाउडर मिक्स करके आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मॉडलिंग की है और इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको डिस्क्रिप्शन में देख लें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो फौरन मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह चीज़ें बनाते रहिएगा, सीखते रहिएगा और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।